हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ वेरी सिंपल एंड एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है द मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है विच वॉज परफॉर्म्ड बाय जे जे थॉमसन इन 1897 के अंदर जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके नतीजे में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ई ओवर एम वैल्यू फाइंड आउट करने में कामयाब हो गया था। और ये एक्सपेरिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रूवन एक्सपेरिमेंट्स जो सा है वो फाइंड आउट किया गया था। अब हम यहाँ से जो है बेसिकली हमने करना क्या है, हमने ई ओवर एम वैल्यू जो है वो निकालनी है इस मेथड से, जे जे थॉमसन के मेथड से। अब ई ओवर एम की ओवरऑल वैल्यू तो हमारे पास निकल आएगी इस मेथड से, लेकिन हमें ई का भी नहीं पता और एम का भी नहीं पता। हमारा मकसद बेसिकली ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मौजूद चार्ज को और मास को इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करें। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं कहता हूँ ए इज़ इक्वल टू ई ओवर एम, ए की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ई की वैल्यू हमारा अगला टॉपिक होगा जो कि ऑयल ड्रॉप मेथड का है। वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज निकल आएगा। अब एक इक्वेशन में तीन वैल्यूज़ हों और दो हमें पता हों तो थर्ड की हम यहाँ से इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेसिकली अब हमारा जो मकसद है वो इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर मौजूद मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ई ओवर एम की पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में ई फाइंड करेंगे और फिर दोनों को इक्वेट करके एम की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि अब हमारा आज का टॉपिक है। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज़ दी डायग्राम फॉर दी एक्सपेरिमेंट। अब मुझे इसकी थोड़ी सी लेबलिंग आप लोग करने दें। ऑल राइट, ओके जी, ये हमारी एक जनरल रफ सी डायग्राम है जो कि मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। दैट इज़ द डायग्राम ड्यू टू, ये बेसिकली है क्या डायग्राम, ये है कि आपके पास एक कैथोड है, दिस इज़ द कैथोड एंड दिस इज़ द एनोड, ये आपका बैटरी का सोर्स है, दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब ओके। ये जो है आपके पास ये एक स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब बेसिकली यहाँ से ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज का सोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से आपके पास कैथोड से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सी है वो निकलेगी
और सीधा जाके एक पॉइंट के ऊपर जो सा है वो जाके हिट करेगी, विच पॉइंट इज कॉल्ड एज P1। ठीक है जी। अब यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली हमारे पास एक एनोड था, एक कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन की रेज निकल रही हैं और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जाके पॉइंट P1 के ऊपर, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, इसके पॉइंट P1 के ऊपर आपके पास एक ग्लो देना शुरू करेगी। अब ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है इसलिए ड्रॉ किया है कि दे आर आउट ऑफ द प्लेन। ये जो रेड डायग्राम है ये तो आपकी प्लेन के ऊपर है जो कि आपको नज़र आ रही है, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि ये इसके ऊपर इस तरह से बढ़ी हुई है। अब ये क्या है, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक और हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो सर्कुलर डॉटेड लाइन मैंने बनाई है दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये अभी आपकी शुरू में जब आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑफ थी और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी ऑफ थी, तो डायरेक्ट कैथोड रेज गई और आपके पॉइंट P1 के ऊपर जाके स्ट्राइक किया और वहाँ पर एक ग्लो जोन सा है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। अब आपने क्या किया, अब आपने ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी इसको अप्लाई किया। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड की को अप्लाई किया तो क्या हुआ कि आपका जोन सा रेज थी यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने की वजह से, और ये डिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट P3 के ऊपर आके गिरना शुरू हो गई। जब आपने कौन सी फील्ड ऑन की, मैग्नेटिक फील्ड ऑन की, तो पॉइंट P3 के ऊपर आपकी मैग्नेटिक जो कैथोड रेज थी वो गिरना शुरू हो गई, उनके पाथ में, स्ट्रेट पाथ में डिफ्लेक्शन आ गई। फिर आपने क्या किया, आपने मैग्नेटिक फील्ड को बंद किया और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब खोला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो ये फिर से डिफ्लेक्शन इसने शो की और ये जाके पॉइंट P2 के ऊपर गिरना शुरू हो गई। इसको दोबारा से देखें, आपके पास ये एक पूरी की पूरी डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, आपने डिस्चार्ज ट्यूब के रास्ते में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है। अब शुरू में दोनों फील्ड्स ऑफ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑफ, तो आपकी जो सी कैथोड रेज निकल रही थी वो सीधी गई, किस उनके रास्ते में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई और वो P1 के ऊपर जाके, पॉइंट P1 के ऊपर जाके बम्बार्ड कर गई। फिर आपने क्या किया, आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बंद है, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया, ये डिफ्लेक्ट हुई और पॉइंट P3 के ऊपर आके गिरना शुरू हो गई। फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया, ये फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगी और ये जोन सी है आपके पास ये इस डायरेक्शन पे जा रही है, तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव एंड दिस मस्ट बी नेगेटिव। तो ये आपकी कैथोड रेज नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी, इनके पाथ में चेंज आएगा और ये पॉइंट P2 के ऊपर जाके गिरना शुरू हो जाएंगी। अब आपने देखा अकेली अकेली इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, जब आपकी शुरू में अगर आप इसको इस तरह से देखें तो जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन थी, ऑन, तो पॉइंट आया P3, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन थी तो पॉइंट आया P2। अब मैंने दोनों को ऑन करना है, बोथ आर ऑन, और मेरा मकसद क्या है कि मैं उन दोनों को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को, दोनों को इस तरीके से एडजस्ट करूं कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करें और आपकी जो सी रेज हैं वो सीधा आके जिस पॉइंट पे गिरे वो हो P1, इस पॉइंट के ऊपर मुझे उनको वापस लेके आना है। मैग्नेटिक फील्ड उसको P3 की तरफ खींचेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको P2 की तरफ खींचेगी, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कैसे मेंटेन करूँगा, उसका करंट कम या ज़्यादा कर दूंगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैंने मैग्नेट दिया हुआ है उसकी भी फील्ड को मैं चेंज कर सकता हूँ,
इन दोनों को मैंने इस तरीके से चेंज करना है कि ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दें और आपके पास ये रेज P1 के ऊपर ही आके गिरना शुरू हो जाएं। जब मैं वो पॉइंट जोन सा है अचीव कर लूँगा, पॉइंट इज अचीव्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करना शुरू हो जाएं, तो वो पॉइंट जो है मुझे चाहिए। उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये कैंसिल हो जाएं, मैं फाइंड कर लूँगा, मैं मेजर कर लूँगा या वैल्यू उसकी रिकॉर्ड कर लूँगा। वैल्यू ऑफ किसकी? दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड मैग्नेटिक फील्ड की। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की बेसिकली वो वैल्यूज़ चाहिए कि जिसके ऊपर वो एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर दें। तो वो जब मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, तो फिर उन दोनों वैल्यूज़ की, उन दोनों स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को जब मैं कंपेयर करूँगा, तो मेरे पास कैथोड रेज की ई ओवर एम वैल्यू जो है वो आ जाएगी, और जो कि हमारा इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था कि हमें ई ओवर एम वैल्यू ही जो है वो चाहिए थी। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के नतीजे में जो ई ओवर एम वैल्यू जे.जे. थॉमसन ने निकाली, दैट वाज इक्वल टू 1.75 × 10^11 कूलम्स पर केजी। 1 किलोग्राम में कितने कूलम्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के? दिस इज़ द ई ओवर एम वैल्यू। ई का चार्ज कूलम्स एंड एम का वो चार्ज किलोग्राम। अब इसका मतलब क्या है इस वैल्यू का? इस वैल्यू का मतलब ये है, और इस यूनिट का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 kg इलेक्ट्रॉन्स हों, इफ़ आई हैव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 kg जिनका वजन 1 किलो मेरे पास इलेक्ट्रॉन हों, तो उनके अंदर चार्ज कितना होगा? चार्ज होगा 1.7588 × 10^11 kg, 11 कूलम्स सॉरी। तो ये कूलम जो है आपके पास, इतना चार्ज होगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो यहाँ से मेरे पास ई ओवर एम वैल्यू जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की आ गई। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में ई फाइंड आउट कर लूंगा। ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये ई की वैल्यू मुझे बताएगा। अब ई ओवर एम में से ई की वैल्यू जब पता चल जाएगी, और इस पूरे की वैल्यू तो ये हमने निकाल ली है, तो यहाँ से फिर मैं एम भी निकाल लूँगा, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इलेक्ट्रॉन की कि इसका मास जो है वो इतना होता है, इसका चार्ज जो है वो इतना होता है। तो बेसिकली हमारे इस चीज़ को स्टडी करने का पर्पज़ ये है कि हम मास फाइंड करें इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने जे.जे. थॉमसन का मेथड जो है वो स्टडी किया। हम इसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट था। ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर एनोड एंड कैथोड लगे हुए हैं। यहाँ से आपके पास रेस निकलेंगी, और ये रेस जाके सीधा पॉइंट P1 के ऊपर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे ग्लो पैदा करेंगी। आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया है कि बाहर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रहे हैं, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहे हैं। जब आपने दोनों चीज़ें ऑफ की हुई हैं, तो पॉइंट P1 के ऊपर वो गिर रहा है, फिर आपने एक को ऑन किया तो पॉइंट P3 आया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया पॉइंट P2 आया, और हमारा मकसद ये था कि दोनों को ऑन करें और इस तरीके से उनकी वैल्यूज़ एडजस्ट करें कि पॉइंट P1 जो है वो फिर से आना शुरू हो जाए। और जब वो आया, तो हमने फिर उसकी वैल्यूज़ को आपस में स्टडी किया, और हमारे पास वैल्यू जो है ई ओवर एम की वो हमने निकाल ली। तो दिस वाज द टॉपिक जो आके आज हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वन इज़ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, जिसमें हम ई फाइंड आउट करेंगे। तो दिस वाज इजी।